इस कहानी की शुरुआत में हमें बीमस नाम के एक लालची सेल्समैन को दिखाया जाता है जो जानवरों को पकड़कर उनकी नीलामी किया करता था। वो एक गांव के सभी लोगों से कहता है कि फसल बोने के दिन स्टार्ट हो गए हैं और आपके जो जानवर होते हैं वो बहुत बेअकल और कमजोर है, इसीलिए मैं आपके लिए एक नई चीज लेकर आया हूँ जो आपके काम को बहुत आसान बना देगी। और वो सभी को अपने पकड़ कर लाए हुए थोरिफेंट प्रजाति के जानवर दिखाता है जिनकी खासियत होती है कि वो इंसानों की तरह बात कर सकते थे। बीमस सभी को बता है कि ये जानवर बहुत ताकतवर है और जब सभी लोग देखते हैं कि ये जानवर इंसानों की तरह बात कर रहे हैं तो सभी बहुत हैरान होते हैं और उन्हें खरीदने के लिए बोली लगाने लग जाते हैं। बीमस सबसे पहले एक छोटे थोरिफिंट को $800 में एक साइमन नाम के किसान को बेच देता है जिसका नाम मोसली था। वो मोसली को पकड़ कर वहाँ से लेकर जाने लगते है जिससे मोसली काफी सेड हो जाता है। वो अपनी माँ को आवाज लगाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोसली बड़ा हो चुका है और उसकी वाइफ बेरा और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम रू था। मोसली सुबह जल्दी उठकर अपने हल को तैयार करता है और अपने मालिक साइमन को उठाता है, फिर वो खेत जोतने में लग जाता है। वो पूरे दिन मेहनत करता है, तभी वहाँ पर बीमस अपने साथी शंकर ओली के साथ आ जाता है क्योंकि वो खाली दिनों में मेडिसिन बेचने का काम किया करता था। उसके पास टर्पी नाम का एक बड़ा थोरिफेंट भी होता है जो उसके लिए बोझ ढोने का काम करता है। मोसली और रू उनसे मिलकर खुश होते है क्योंकि बचपन से मोसली टर्पिन को जानता था। बीमस साइमन को अपनी दवाइयाँ बेचने की कोशिश करता है लेकिन साइमन को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो बीमस से पूछता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो बीमस उसे बताता है कि रू काफी बड़ा हो गया है इसीलिए वो नीलामी के लिए तैयार है, लेकिन साइमन मना कर देता है। तो बीमस उसे कहता है कि तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें रू के बदले तुम्हारे खेत के पास की जमीन दे सकता हूँ। ये सुनकर मोसली साइमन के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि पास की जमीन में पत्थर और जड़े हैं इसीलिए वो जमीन बेकार है, लेकिन बीमस और उसके साथी साइमन का मजाक उड़ाते हैं कि क्या तुम अपने जानवर की बातें सुनते हो। तो साइमन मोसली पर गुस्सा होता उसे पत्थर से हिट करता है जिससे मोसली अंदर चला जाता है। रात को बेली मोसली को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे वो बहुत खुश होता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है क्योंकि वो पूरे दिन काम करके बहुत थक गया था। रू मोसली के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने मेरे छिपने के लिए एक गुफा ढूंढी है इसीलिए आपको वहाँ चलकर उसे देखना चाहिए। तो मोसली मना करता उसे कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ इसीलिए हम किसी और दिन चलेंगे क्योंकि मुझे कल बहुत काम करना है। तो रू से कहता है कि मैंने उन गुफाओं में हमारे चित्र देखे जिसमें हमारे हाथ थे जैसे इंसानों के होते हैं। तो इससे मोसली बहुत हैरान होता है और रू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। जुगनू भी रू के पास आते हैं क्योंकि वो रू को केव तक जाने का रास्ता बताते थे। वो दोनों उन जुगनुओं की मदद से उस केव तक पहुंच जाते हैं। वो केव जमीन के अंदर बनी हुई थी इसीलिए वो दोनों फिसलते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां थोरिफेंट जैसे जानवरों के चित्र बने हुए थे जिनमें उनके हाथ थे, इसीलिए उन्हें अपराइट्स कहा जाता है। मोसली ये देख कर हैरान होता है कि वो थोरिफेंट अपने दो पैरों पर चलते हैं और उनके हाथ है जिनकी मदद से वो कोई भी काम कर सकते थे। रू अपने डेड को आगे लेकर जाता है क्योंकि वहाँ अपराइट्स तक पहुँचने का एक रास्ता बना हुआ था मगर आगे बहुत अंधेरा था, इसीलिए रू मोसली को बताता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं गया क्योंकि जुगनू मेरे साथ नहीं जाते और मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर अपने पापा से पूछता है कि क्या ब्राइट सच में होते हैं या फिर उनके चित्र किसी ने बनाए हैं। तो मोसली को अपने बचपन की बात याद आती है जब टर्पिन भी ऐसे चित्र बनाया करते थे और वो मोसली को बताते थे कि पहले हम भी अपराइट्स की तरह ही दो पैरों पर चला करते थे क्योंकि सैकड़ों सालों पहले थोरिफेंट के दो परिवार थे जिनमें से एक परिवार इंसानों के अत्याचार और बुराई से बचने के लिए उत्तर की तरफ निकल गए और थोरिफेंट का जो परिवार पीछे रह गया उन पर इंसानों ने अत्याचार किए जिससे वो जानवरों की तरह काम करने लगे और हमारी पीठ झुकी हुई बन गई और हमारे हाथ कुछ काम न आने की वजह से लुप्त होकर पैरों में बदल गए। तो मोसली उनसे पूछता है कि बाकी के अपराइट्स हमें बचाने क्यों नहीं आए। तो टर्पिन उसे बताते हैं कि अपराइट्स को लगता है कि आखिरी बचे हुए थोरिफेंट है मगर कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन थोरिफेंट हमें बचाने जरूर आएंगे। तभी वहाँ बीमस के भेजे हुए लोग और शिकारी वॉरफील्ड आ गए थे जो उन सभी छिपे हुए थोरिफेंट को पकड़कर ले गए और फिर बीमस ने उन्हें नीलाम कर दिया था। ये सभी बातें सोचकर मोसली काफी दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि अपराइट्स कुछ नहीं होते क्योंकि उन्हें बचाने नहीं आए थे, इसीलिए रू को कहता है कि अपराइट्स असली नहीं है और ये चित्र हमें बहकाने के लिए बनाए गए है। तो रू भी उनकी बात मान लेता है और वो दोनों वहाँ से वापस घर लौट आते है। घर वापस आकर रू सो जाता है, तभी बेरा मोसली के पास आकर
कहती है कि तुम्हें उस गुफा में आगे जाना चाहिए था क्योंकि उस गुफा से हम अपराइट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये सिर्फ एक परिकथा है और अपराइट्स कुछ नहीं होते। तभी उसे बीमस की आवाज़ सुनाई देती है जो साइमन को रू को बेचने के लिए मना रहा था। साइमन पास वाली जमीन के बदले रू को बेचने के लिए मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि जैसे ही दूसरा बछड़ा पैदा होगा तो रू को ले जा सकता है। ये सुनकर मोसली और बेला काफी डर जाते हैं। बेला मोसली को कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अपराइट्स तक पहुंचना ही होगा और उन्हें लेकर यहाँ आना होगा क्योंकि वही हमें और हमारे बेटे को बचा सकते हैं। लेकिन मोसली उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि मैं सुबह साइमन से बात करूंगा। अगली सुबह साइमन अपने नए खेत को जोतने के लिए हल चलाने लगता है, लेकिन वो जमीन पूरी तरीके से खराब थी। मगर साइमन को लगता है कि मोसली नाटक कर रहा है, इसीलिए उसे बहुत कोड़े मारता है, जिससे मोसली अपना पूरा जोर लगाता उस हल को खींचने की कोशिश करता है, मगर इससे वो हल ही टूट जाता है और मोसली दूर गिर जाता है, जिससे साइमन को पता चलता है कि वो जमीन पूरी तरीके से बेकार है। इसीलिए वो बीमस पर गुस्सा होता, उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। मोसली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो इंसानों के प्रति चाहे कितने भी वफादार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो हमेशा उन पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपराइट्स को ढूंढ लेगा और अपने परिवार को इंसानों से आजाद करवाएगा। रू अपने डेड के पास जाता है तो मोसली उसे कहता है कि मैं अपराइट्स को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक तुम एक पापा की तरह अपनी माँ का ख्याल रखना और उनके सारे काम करना। तो रू भी उनकी बात मान लेता है और मोसली फुल स्पीड में गुफा की तरफ रन करने लग जाता है। साइमन और बीमस उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते और मोसली एक चट्टान के नीचे छिप जाता है। साइमन इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बेला के पास जाकर उसे पूछता है कि वो कहाँ गया है, लेकिन बेला उसे कुछ नहीं बताती। तो साइमन गुस्से में उस घर के गेट पर ताला लगा देता है ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके। बीमस साइमन को कहता है कि मैं मोसली को वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ कीमत चुकानी होगी। लेकिन वो बीमस की बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शंख बीमस को कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो बीमस उसे कहता है कि अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम कल वापस आएंगे क्योंकि हम वॉरफील्ड शिकारी को लेने जा रहे हैं जो थोरीफेंड को पकड़ने में माहिर है, और वो वॉरफील्ड के गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव के सभी लोग बीमस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने सभी को नकली दवाइयाँ बेची थी, लेकिन बीमस उनकी बात नहीं सुनता और वो वॉरफील्ड से मिलने के लिए बाहर में चला जाता है। बाहर एक थोरीफेंड बंधा हुआ होता है जिसे हाल ही में वॉरफील्ड ने पकड़ा था, जो काफी डरा और सहमा हुआ था। इसीलिए टर्बिन उसके पास जाते हैं तो उन्हें बताता है कि उत्तर की तरफ जंगल में एक सिंक होल है जिसमें मुझे गुफाएं मिली थी जहां प्राइट्स के चित्र बने हुए थे, इसीलिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन वो वॉरफील्ड का बनाया हुआ ट्रैप था। वही हमें मोसली को दिखाया जाता है जो अपराइट्स की गुफाओं में आगे बढ़ता है, लेकिन वो वॉरफील्ड के बनाए हुए गड्ढे में फंस जाता है। मोसली बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। वो देखता है कि वहाँ थोरफिंड के कटे हुए सिंह और तलवारें पड़ी हुई है जिससे वो काफी डर जाता है। वही फिर अगले दिन हमें वॉरफील्ड को दिखाया जाता है जो बीमस के साथ साइमन के फार्म पर आ जाता है। साइमन वॉरफील्ड शिकारियों को कहता है कि मैं तुम्हें मोसली को ढूंढ कर लाने के लिए $350 दे सकता हूँ। तो वॉरफील्ड मोसली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये देख कर रू उसे रोकने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन टर्बिन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे डेड के साथ क्या करेगा, लेकिन तुम्हें यही रुकना होगा क्योंकि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है और बहुत ही जल्द बछड़ा आने वाला है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो रू भी उनकी बात समझ जाता है। बीमस अपने साथी शंख और ओली को बताता है कि वॉरफील्ड ने जंगल में एक ट्रैप बिछा रखा है जिससे सभी थोरीफेंड उसके जाल में फंस जाते हैं, इसीलिए तुम्हें उस जाल का पता लगाना चाहिए। शंख को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो वॉरफील्ड का पीछा करने लग जाते हैं। वही मोसली काफी डरा हुआ उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो गड्ढा काफी गहरा था। तभी वॉरफील्ड वहाँ आ जाता है। वो मोसली को कहता है कि मैं तुम्हें साइमन के पास वापस लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सिंह काट लूंगा, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी वॉली और शंख भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारे चित्र वॉरफील्ड ने बनाए हैं। वॉरफील्ड ये देखकर कि वो दोनों उसका राज खोल देंगे, इसीलिए उन दोनों को भी पकड़कर अपने गड्ढे में डाल देता है, लेकिन इससे मौका पाकर मोसली ओली की मदद से उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक झरने के किनारे पहुँचता है जहाँ वो चट्टानों पर जंप लगाता आगे बढ़ने लगता है, मगर वॉरफील्ड मोसली को रोकने के लिए उस पर अपने तीर से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एक जुगनू वॉरफील्ड का ध्यान भटका कर मोसली की जान बचा लेता है। मोसली एक चट्टान पर
पर जंप लगाता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वॉरफील्ड को लगता है कि मोस्ली मर गया है, इसीलिए उसकी बॉडी को चेक करने के लिए नीचे जाता है लेकिन उसे वहाँ मोस्ली नहीं मिलता। वही मोस्ली की जब आँख खुलती है तो एक झरने के पीछे होता है क्योंकि गिरने की वजह से वो झरने के पीछे आ गया था। मोस्ली जब उस जगह को चेक करता है तो उसे वहाँ तीन थोरीफेड दिखाई देते हैं जिनके नाम वार्नी, डीवर और गेलिन थे, जो दो पैरों पर चल रहे थे। इससे उसे विश्वास हो जाता है कि अपराइट सच में मौजूद है। गेलिन एक बहुत ही बूढ़ा अपराइट होता है जिसकी आंखें धुंधली हो गई थी, इसीलिए वो बच्चों जैसे बर्ताव किया करता था। वार्नी और डीवर जब मोस्ली को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो दुश्मन है, तो मोस्ली उन्हें बताता है कि मैं एक थोरीफेड हूँ। तो वार्नी उससे पूछता है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने और तुम झुके हुए क्यों हो, मगर डीवर उसके चार पैर देखकर समझ जाता है कि वो कोई दूसरा थोरीफेड है। वार्नी और डीवर साथ में बैठकर मोस्ली से बात करते हैं। मोस्ली उनसे गेलिन के बारे में पूछता है तो वार्नी उसे बताता है कि वो काफी बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को याद करता है जो यहाँ चित्र में बने हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में अपराइट्स ने इंसानों से बचने के लिए उत्तर की तरफ प्रस्थान किया था जिसमें गेलिन भी शामिल थे, और गेलिन ही हमें यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि उनके पास जुगनुओं की खास शक्ति है, इसीलिए वो शक्ति इन्हें यहाँ खींच लाई। तो मोस्ली से खुश होता है और उन्हें बताता है कि जुगनू ही मुझे इस जगह पर लेकर आए थे। डीवर मोस्ली को बताता है कि हमें लगा था कि थोरीफेड की दूसरी फैमिली को इंसानों ने मार दिया है। तो मोस्ली उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जब हमारे पूर्वज चले गए थे तो हम पीछे रह गए और हम इंसानों के काम की वजह से इस रूप में बदल गए, लेकिन अब भविष्यवाणी सच हो जाएगी क्योंकि अब ब्राइट से हम सभी को बचा लेंगे, इसीलिए हमें आपके शहर जाकर आर्मी को लेकर आना होगा। तो वार्नी भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों केनेसेरे जाने के लिए निकल जाते हैं। इससे मोस्ली बहुत खुश होता है। डीवर मोस्ली को फिंगर की इम्पोर्टेंस बताता है कि इनकी मदद से हम कोई भी काम कर सकते हैं, और इन सभी फिंगर में थंब सभी का राजा होता है। फिर वो मोस्ली की पीठ खुजलाते हैं जिससे गेलिन मोस्ली के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इसीलिए वो उसके सहारे ही आगे बढ़ने लगते हैं। वही हमें वॉरफील्ड शिकारी को दिखाया जाता है जो वहाँ चट्टानों में मोस्ली को ढूंढ रहा होता है और उसे झरने के पीछे छिपी हुई उस जगह पता चल जाता है, इसीलिए वो भी मोस्ली को ढूंढने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ने लग जाता है। वही मोस्ली अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि यहाँ से किनेसेरेत बहुत दूर था। उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और सुबह होते होते वो एक भूतिया बाग के किनारे पहुँचते है जिसके दूसरी तरफ किनेसेरेत था। वार्नी मोस्ली को बताता है कि यह बाग भूतिया है, इसीलिए हमें इस बाग के साइड से जाना होगा क्योंकि माना जाता है कि दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई थी, और इसी बाग में एक खास तरह का पेड़ है जिसकी एक आत्मा रक्षा करती है, और आज तक जो भी इस बाग के अंदर गया है वो बाहर नहीं आ पाया। तभी मोस्ली को वहाँ एक सुरंग दिखाई देती है जो उस बाग के अंदर बनी हुई थी, इसीलिए वो सभी को उस सुरंग से आगे बढ़ने को कहता है ताकि वो जल्दी से सिटी तक पहुँच सके। मगर जब वो सभी उस सुरंग से आगे बढ़ते हैं तो उस सुरंग भूतिया होने की वजह से सभी पेड़ उनके ऊपर गिरने लगते हैं, मगर वो किसी तरह से वहाँ से बचकर वापस बाहर आ जाते हैं। फिर वो साइड से आगे बढ़ने लगते हैं और रात को एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। मोस्ली वहाँ सभी को अपने परिवार के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जल्दी किनेसेरेत से सेना लेकर आना होगा। फिर वो सभी सो जाते हैं। रात को जब मोस्ली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि गेलिन जुगनुओं के पीछे कहीं जा रहे हैं, तो मोस्ली डीवर और वार्नी को इस बारे में बताता है और वो सभी गेलिन के पीछे पीछे एक चट्टान पर पहुँच जाते हैं क्योंकि गेलिन को पता चल गया था कि वॉरफील्ड शिकारी उनके पीछे है। तभी वॉरफील्ड वहाँ आ जाता है। वार्नी और डीवर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, मगर गेलिन मोस्ली को बताते हैं कि हमें इन जुगनुओं पर विश्वास करना होगा क्योंकि हमें यहाँ से ले जा सकते हैं। तो मोस्ली उनकी बात मान लेता है और वो क्लिप से नीचे कूद जाता है जिससे वो जुगनुओं के साथ उड़ने लगता है। ये देखकर वार्नी भी नीचे कूद जाता है जिससे जुगनू उन सभी को बचाकर शिकारी से बहुत दूर ले आते हैं। इससे वार्नी और डीवर को भी विश्वास हो जाता है कि उन जुगनुओं में जादुई शक्ति थी। फिर वो सभी जल्दी से आगे बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वॉरफील्ड अभी भी उनके पीछे था। वहीं हमें साइमन के फार्म पर दिखाया जाता है कि टर्पिन रू को काम करना सिखा रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि जल्दी तुम्हारा भाई या बहन इस दुनिया में आ जाएगा, लेकिन तुम घबराना मत क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तभी बीमस को एक आदमी आकर बताता है कि कोई तुम्हारे थोरीफेड को खरीदना चाहता है, तो इससे वो बहुत खुश हुआ टर्पिन को चलने को कहता है। रोहित से काफी सेड हो जाता है। वो टर्पिन को कहता है कि आपने कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे, तो टर्पिन उसे कहते हैं कि मुझे जाना होगा मगर तुम अपनी माँ का ख्याल रखना जब तक कि तुम्हारे डैड वापस न आ जाए। फिर बीमस टर्पिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो जाते जाते साइमन को कहता है कि
मैं अपनी डील के मुताबिक रू को लेने आऊंगा। वही हमें मोस्ली और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो किनेसेरेत के काफी करीब पहुंच जाते हैं। मोस्ली किनेसेरेत शहर को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। वॉर्नी मोस्ली को सच बताने लगता है लेकिन मोस्ली उसकी बात नहीं सुनता और वो खुशी से सिटी अंदर चला जाता है जहाँ के सभी थोरी फ्रेंड को देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो घरों में रह रहे थे। तभी वो देखता है कि वहाँ कोई आर्मी नहीं है और वहाँ के सारे थोरी फ्रेंड काफी बूढ़े हो चुके हैं। वॉर्नी मोस्ली से माफी मांगता है कि हमने तुमसे झूठ बोला कि किनेसेरेत में आर्मी है और मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। तो मोस्ली उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वॉर्नी उसे बताता है कि हम सभी मर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 100 सालों से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसीलिए जल्द ही हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमें इस बात का कोई दुख नहीं है बल्कि दुख इस बात का है कि इंसान हमें कम समझते हैं और तुम भी खुद को कम आंकते हो, इसीलिए तुम खुद इंसानों का सामना नहीं कर पाए और इंसानों ने तुम्हें अपना पालतू जानवर बना लिया। मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम सभी तुम्हारे साथ हैं और हम मिलकर तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। मगर मोस्ली अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था, इसीलिए सभी को कहता है कि मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों का सामना कर पाएंगे। तो वॉर्नी उसे कहता है कि हमें रानी से बात करनी चाहिए। तो मोस्ली भी मान जाता है। फिर रात को महल में सभा बुलाई जाती है। मोस्ली देखता है कि वो महल उस भूतिया बाग के आगे बनाया गया है। तो वॉर्नी मोस्ली को बताता है कि यह शहर हमारे पूर्वजों ने बनाया था मगर फिर हमारे इस शहर को एक श्राप मिला जिससे बाग भूतिया बन गया और इसमें खिलने वाले फल गायब हो गए। रानी मोस्ली कहती है कि हम नहीं जानते कि हमारा एक परिवार कई सालों से इंसानों के अत्याचार सह रहा है, वरना हम तुम्हें बचाने जरूर आते मगर अभी भी देर नहीं हुई है क्योंकि हम सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी अपने बनाए हुए हथियार बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो सभी मोस्ली के परिवार को बचाने के लिए तैयार थे। तभी गार्ड सभी को आकर बताता है कि शिकारी आ गया है और वो सभी गेट पर आ जाते हैं जहाँ सभी मोस्ली का साथ देने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो सभी काफी बूढ़े हो गए थे इसीलिए उनके वार का उस पर कोई असर नहीं होता और वो अपने तीर से गेलिन को इंजर्ट कर देता है। ये देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। मोस्ली गेलिन को लेकर महल में आ जाता है मगर गेलिन अपना दम तोड़ देते हैं। मोस्ली से काफी सेड हो जाता है क्योंकि गेलिन उसके काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो गुस्से में उस शिकारी पर अटैक करने जाने लगता है। तो डीवर उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे रोक लेंगे। तो मोस्ली सभी को कहता है कि तुम सभी काफी बूढ़े हो चुके हो इसीलिए वो तुम सभी को मार देगा और तुम सभी भी मेरा परिवार हो इसीलिए मैं तुम सभी को मरने नहीं दे सकता। तभी उसे जुगनू दिखाई देते हैं जिससे उसे आइडिया आता है कि उसे शिकारी को लेकर भूतिया बाग में लेकर जाना चाहिए ताकि वो उसे उस बाग में फंसा सके। तो डीवर मोस्ली को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे तुम खुद भी उस बाग में फंस जाओगे या फिर मर जाओगे। तो मोस्ली उसे कहता है कि मुझे करना ही होगा। तो रानी उसे कहती है कि जब तुम बाग में जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक जीवित वृक्ष दिखाई देगा और अगर तुम्हें वो पेड़ मिल जाए तो तुम उसका फल खा लेना जिससे तुम भी अपराइट्स बन जाओगे। वही हमें बेरा को दिखाया जाता है जिसकी प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है। तो रू को साइमन को बुलाकर लाने को कहती है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो रू साइमन के पास जाता है और हिम्मत करके साइमन को जगा देता है और उसे कहता है कि मेरी माँ को तुम्हारी जरूरत है। तो साइमन भी बेरा की मदद करता है। वही हमें किनेसेरेत में दिखाया जाता है कि वॉरफील्ड शिकारी गेट को तोड़कर अंदर आ गया था। मोस्ली उसे अपने पीछे आने के लिए भड़काने लगता है जिससे वॉरफील्ड भी उसके पीछे पीछे बाग में चला जाता है जहाँ चारों तरफ काफी बड़े बड़े पेड़ थे। मोस्ली को जुगनू दिखाई देते हैं इसीलिए उनके पीछे जाता है तो उसे जादुई पेड़ दिखाई देता है। यह देखकर वॉरफील्ड उसे रोकने की कोशिश करता, मोस्ली को तीर से इंजर्ट कर देता है मगर फिर भी मोस्ली हार नहीं मानता और वो वॉरफील्ड का सामना करने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो शिकारी का सामना कर सकता है। मोस्ली और वॉरफील्ड में लड़ाई होती है और वॉरफील्ड मोस्ली को पकड़ने की कोशिश करता है मगर मोस्ली उसे जोर से हिट करता जादुई पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसका फल खा सके। मगर वॉरफील्ड उसे रोकने के लिए दोबारा तीर से हिट कर देता है जिससे मोस्ली काफी घायल हो जाता है मगर फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। मोस्ली काफी इंजर्ड हो चुका था और वॉरफील्ड उसे पूरी तरीके से खत्म करने लगता है लेकिन तभी वहाँ उस बाग की जादुई आत्मा आ जाती है जिसे गार्जियन कहा गया है। गार्जियन वॉरफील्ड को रोक लेता है और उसे जोर से हिट करता है जिससे वो दूर गिर जाता है और वो आत्मा मोस्ली को हिल करके वहाँ से गायब कर देती है और वॉरफील्ड वहीं उस बाग में फंस जाता है क्योंकि वो बाग एक बुलबुलैया था इसीलिए वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। वहीं किनेसेरेत में सभी को लगता है कि मोस्ली मर गया लेकिन तभी वो आत्मा मोस्ली को वहाँ ले आती है। मोस्ली समझ जाता है कि वो आत्मा हमेशा मोस्ली के साथ थी। वो आत्मा मोस्ली से पूछती है कि
तुम क्या चाहते हो? तो मोसली उन्हें कहता है कि मैं अपने परिवार को आजाद करवाना चाहता हूँ। तो आत्मा मोसली को वह जादुई फल देती है। वहीं फिर हमें साइमन के फार्म को दिखाया जाता है, जहाँ आज रू को बीमस नीलामी के लिए लेकर जाने वाला था, क्योंकि बेरा की बेटी रोजी पैदा हो गई थी। बेरा काफी दुखी होती है और रू अपनी बहन रोजी को कहता है कि माँ का ख्याल रखना, और बीमस रू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बेरा देखती है कि एक अपराध उनकी तरफ आ रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि मोसली होता है। बेरा ये देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि मोसली का आकार काफी बड़ा था। मोसली साइमन को कहता है कि मैं यहाँ अपने परिवार को लेने आया हूँ। तो साइमन गुस्से में मोसली पर कोड़े से अटैक करने लगता है, लेकिन मोसली उसे पकड़ लेता है और उसे दूर पटक देता है। फिर वो अपनी फैमिली से मिलता है और उन्हें भी वो जादुई फल खिलाता है, जिससे वो सभी अपराइट्स में तब्दील हो जाते हैं और वो सभी खुश होते हैं। फिर वो किनेसेरेट की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए हम इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 के रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।